हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, जैसे कि बालों का टूटना या बालों का विकास ना होना, या अगर आपको कोई और भी प्रॉब्लम है, जैसे शरीर में हेल्दी शरीर रखने के लिए काफी सारी प्रॉब्लम, जैसे कि वीकनेस की प्रॉब्लम, एनीमिया, खून की कमी, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसमें काफी जानी मानी और काफी खास दवाई है जो कि हेयर रूट्स है। यह आपको दो फॉर्म में मिल जाती है, मैन फॉर्म और वुमेन फॉर्म में मिल जाती है, दो फॉर्मों में आती है। तो आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं हेयर रूट्स के बारे में, जो कि आपके पास के मेडिकल स्टोर में बहुत ही आसानी से मिल जाता है, जो कि काफी जानी मानी है, काफी बिकने वाली, जो कि बालों की समस्याओं को दूर करने के लिए काफी फायदेमंद भी है। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं हेयर रूट्स मेन टेबलेट के बारे में, इसमें कॉम्बिनेशन क्या है, कॉम्बिनेशनों का क्या काम है, और आप इसे किस पर्पज में ले सकते हैं, कि इस्तेमाल करने से आपको फायदेमंद हो, इसकी क्या डोज होनी चाहिए, इसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, सभी बातें हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बात करते हैं हेयर रूट्स मेन, जो कि आपके पास के मेडिकल स्टोर पर, अगर हम बात करें उसकी कंपनी की, तो यह डॉक्टर रेड्डी कंपनी की बनाई हुई मेडिसिन है और ये काफी अच्छी कंपनी है डॉक्टर रेड्डी, जो कि थोड़ी इसके प्रोडक्ट कॉस्टली जरूर होते हैं, पर इसके प्रोडक्ट बहुत ही फायदेमंद होते हैं। अगर हम बात करें इसकी प्राइस की, तो यह ₹200 की प्राइस में आपको 15 टैबलेट की पैकिंग में मिल जाती है। तो यह थी हेयर रूट्स के बारे में। अब हम बात करते हैं हेयर रूट्स में क्या कॉम्बिनेशन है, तो इसमें काफी अच्छे अच्छे कॉम्बिनेशन है, जैसे कि बायोटिन, फोलिक एसिड, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट, मिनरल, विटामिन, आयरन, जिंक, कैल्शियम, पेंथोनेट, जैसे काफी अच्छे अच्छे कॉम्बिनेशनों से मिलकर बना हुआ यह हेयर टैबलेट। अगर हम बात करें इसके बायोटिन कॉम्बिनेशन के बारे में, तो बायोटिन कॉम्बिनेशन जो कि हार्मोनल डिसफंक्शन की दूर करने के लिए काफी फायदेमंद होता है। अगर हम बात करें फोलिक एसिड, तो फोलिक एसिड जो कि इसे फोलेट भी कहा जाता है, फोलेट जो कि हरी सब्जियों से मिलने वाली जो भी फोलिक एसिड की कमी को दूर करता है, उसे फोलेट भी कहा जाता है। जैसे कि फोलिक एसिड की कमी के कारण आयरन या एनीमिया की शिकायत हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है, तो उसमें काफी यूजफुल होता है। अगर हम बात करें ग्रेप सीड्स एक्सट्रैक्ट, जो कि एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट होता है और एक तरह का एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, जो कि हमारे बॉडी में जमे बैड सेल्स या बैड टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए काफी फायदेमंद होता है और एक्टिव सेल्स को, एक्टिव टॉक्सिन्स को मजबूत करता है, जिसके कारण इम्यूनिटी भी मजबूत होती है। जैसे कि कोई प्रॉब्लम हो जाती है, इम्यूनिटी कमजोर होने के कारण खांसी जुकाम फीवर की प्रॉब्लम बार बार होती है, तो उस प्रॉब्लम को दूर करने में काफी यूजफुल होता है। अगर हम बात करें इसके अलावा, तो जैसे कि आयरन, जिंक, कैल्शियम पेंथोनेट, जो कि हड्डियों के लिए काफी फायदेमंद होता है, स्कल्प के लिए भी काफी यूजफुल होगा। इसके अलावा जिंक की बात करें, तो ये कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम में भी काफी यूजफुल है। तो कुल मिला के कहा जाए, तो यह टैबलेट जो कि बालों के साथ साथ और भी प्रॉब्लमों को दूर करने के लिए काफी यूजफुल होगा। अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स, तो इसके खास तौर पे बेनिफिट्स बालों के लिए हैं, जैसे कि हेयर फॉल की शिकायत, हेयर लॉस हो रहा हो, जैसे कि बालों का टूटना या बालों का विकास ना हो रहा हो या बाल बढ़ ना रहे हो, तो उस पर्पज में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, काफी फायदेमंद है। इसके अलावा अगर आपको वीकनेस हो रही है, तो आप भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। नाखूनों की कमजोरी, जैसे कि नाखून के कमजोर होना या नाखों में रेसेज या नाखून से जुड़ी कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसमें भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, काफी यूजफुल है। इसके अलावा एनीमिया की शिकायत हमने पहली बात कर चुके हैं, इस तरह कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इसे बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हैं, काफी फायदेमंद है। तो ये थे इसके फायदे के बारे में। अब हम बात करें इसकी डोज के बारे में, तो इसके दिन में एक ही बार लिया जाता है डोज, और वो भी रात को सोते वक्त, तो वो भी आप गुनगुने पानी या गुनगुने के दूध के साथ ले सकते हैं, पर आप गुनगुने दूध के साथ लेते हैं तो काफी फायदेमंद होता है। अगर हम बात करें कोई भी मल्टीविटामिन या सप्लीमेंट होता है, जो कि आपको दूध से ही लेना चाहिए, तो आप इसे दूध से लें तो काफी फायदेमंद होगा। तो यह था डोज के बारे में, इस्तेमाल के बारे में। अब हम बात करते हैं कौन इस्तेमाल कर सकता है, तो आप 18 साल से एज के ऊपर हैं तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप 18 साल से नीचे हैं तो आप इसे इस्तेमाल ना करें, इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर फार्मेसिस्ट से जरूर कंसल्ट करें। तो यही था इसके डोज इस्तेमाल के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट्स, तो इसके बहुत ही रेयर चांस होंगे जो कि इसके साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। अगर आपको इसमें से कोई कॉम्बिनेशन सूट नहीं करता, तो आपको साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। इसके लेने के तुरंत बाद अगर आपको किसी तरह की एलर्जी होती है, अगर आपको खुजली होती है या आपको वॉमिटिंग की शिकायत जैसी लगती है, तो आपको ये सूट नहीं करा और आपको ये नहीं लेनी चाहिए। अगर हम बात करें कि इसको नहीं लेनी चाहिए, तो अगर आप प्रेग्नेंट लेडी हैं, तो आप इसे बिल्कुल इस्तेमाल करें, इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर फार्मेसिस्ट से जरूर कंसल्ट करें, अगर आप किसी तरह के प्रेग्नेंट लेडी हैं, अगर आपको कोई मेडिसिन कोर्स चलता है तो। तो यही था हेयर रूट्स टैबलेट के बारे में जानकारी। अगर आपको ये वीडियो या जानकारी अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको ये वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।